सोमवार को शहर के स्कूलों, महाविद्यालय और विविध दफ्तरों पर ध्वजारोहण किया गया। ऊंचे आसमान पर राष्ट्रध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। तिरंगे के शान में मानवंदना अर्पित की गई। शहर के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों में सोमवार को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ। नगरी के खापंडे बगीचा स्थित आदर्श स्कूल में ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न हुआ। मान्यवर अतिथियों के हाथों भारत माता की प्रतिमा का पूजन कर राष्ट्रध्वज फहराया गया। सैकड़ों छात्र और पालकों ने राष्ट्रध्वज को मानवंदना अर्पित की। स्कूली छात्रों ने देशभक्ति पर गीत गाकर इस राष्ट्रीय त्योहार के आयोजन में जान फूंकी। नर्सरी से लेकर बड़ों तक सभी छात्रों ने पूरे उत्साह से इस 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पालकों ने भी बड़ी संख्या में इस समारोह में उपस्थिति दर्शाई थी। शहर के वलगांव रोड स्थित सैफी उर्दू स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। छात्रों और पालकों की सैफी स्कूल में बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। पठान चौक स्थित उर्दू एसोसिएशन स्कूल में भी हजारों छात्रों की उपस्थिति में ध्वजारोहण समारोह हुआ। सभी ने पूरे उत्साह से इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर राष्ट्रध्वज तिरंगे को मानवंदना अर्पित की। शहर के जवाहर युवक मंडल ने भी स्कूली छात्रों के साथ ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कर 66वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। मध्यवर्ती डेपो कर्मचारी संगठन के दफ्तर पर भी कर्मचारियों ने ध्वजारोहण कर प्रजासत्ताक दिवस का समारोह मनाया। अमरावती पुलिस पब्लिक स्कूल में एसीपी एडमिन सूर्यवंशी, वेलफेयर निरीक्षक अगलावे, प्राचार्य रेणु स्वामी आदियों के उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिवार, सिवार, सिवार।
ध्वजारोहण पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने देशभक्ति पर प्रस्तुतियां दी। इस वक्त भारी संख्या में पालक और स्कूली शिक्षक वृंद मौजूद थे। सोमवार को भारत की शान भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को ऊंचे आसमान में फहराकर राष्ट्रध्वज को मानवंदना दी गई तथा विभिन्न देशभक्ति पर कार्यक्रमों के आयोजन भी इस अवसर पर शहर भर संपन्न हुए। अम्बा नगरी में प्रजासत्ताक भारत का 66वां प्रजासत्ताक दिन विविध देशभक्ति पर कार्यक्रमों से मनाया गया। प्रजासत्ताक दिवस की पूर्व संध्या पर जिला बार एसोसिएशन द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बाली, अरे बाबा ढोलकी वाजवतो का, जाऊ द्या, अशीच जरा ढोलकी वाजवत राहिला ना तर तमाशात एक नंबरचा काम मिळेल। तर असो सायलेन्स खटला सुरू होतोय। बाबा तिच्या चिकुरच्या इकडे काँग्रेस मिशन ऍडव्होकेट खरे। थँक्यू थँक्यू ऍडव्होकेट कोठे? चला तुम्हाला एकदाची केस मिळाली। अरे वा, पार्टी रगड आहे, कापा चांगली। यांना कसं कळलं? ओ कुठे दुधात आता दंड आहे। काय वेळ घालावं लागतं आम्हाला आमचं माहित। चला फिर्यादी पक्षातर्फे कोण उभारणार आहे? अहो तुम्ही उभे जात। सोमवार को इरविन चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें आदरांजलि अर्पित कर 66वां प्रजासत्ताक दिवस मनाया गया। 2 वर्ष 11 महीने 17 दिवस पूर्ण तैयार समिति मध्य कृष्णमाचारी भाषण देता घटने के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है, घटने के जनक ही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है। कारण ज्या मसुदा समितीमध्ये 7 लोक होते त्यातले एक बाबासाहेब उरले 6, तर त्या समितीमधले एकाने राजीनामा दिला होता, ती जागा पुन्हा भरलीच नाही। शहर के पठान चौक से देशभक्ति पर रैली का आयोजन हुआ। छात्रों ने इस रैली में बड़ी संख्या से सहभागी होकर देशभक्ति पर नारे लगाए। अलीमनगर के अल्लामा इकबाल स्कूल में भी प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर देशभक्ति पर कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कव्वाली, गजल, लेजी नृत्य आदि का सादरीकरण छात्रों ने किए। शहर के छत्रसाल नगर क्षेत्र को सोमवार को आकर्षक सजाया गया था। विभिन्न मान्यवरों ने छत्रसाल नगर में प्रजासत्ताक दिवस के आयोजन में उपस्थित रहकर आयोजन में जान फूंकी।
राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित होने पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला का शहर के पठान चौक पर सूर्योदयस्पर्शी सम्मान हुआ। ध्वजारोहण समारोह पश्चात यह सम्मान समारोह हुआ। शहर के पठान चौक पर सोमवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला के हाथों ध्वजारोहण किया गया। भारी संख्या में नागरिक इस ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित थे। ध्वजारोहण समारोह प्रख्यात शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला इनका हृदयस्पर्शी सम्मान किया गया। सीपी मेकला इन्हें राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ है, जिसकी खुशी मनाने इस हृदयस्पर्शी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उपलक्ष्य में ये बड़ा फूल माला पहना के उनका इस्तकबाल करें और आप चाहिए कि गंगा से उनका इस्तकबाल करें। ये सत्कार पर आपका राष्ट्रपति अवार्ड मिलने सर हाथ वो जनाब साल मिला साहब को साल पहना के उनका इस्तकबाल करें।